सो वक्रेश्वर पंडित और हमारे यहाँ वक्रेश्वर प्राण प्रभु भी आ गए यहाँ पर। सो ये बहुत ही सुंदर लीला हो गई है तो ठाकुर जी की कि वक्रेश्वर पंडित प्रभु भी आ गए यहाँ पर। और आज वक्रेश्वर पंडित जी का आज प्राकट्य दिवस है, आविर्भाव दिवस है। सो वक्रेश्वर पंडित जो है एक ऐसे पार्षद हैं महाप्रभु की लीलाओं में जिनकी बहुत कहीं कॉन्वर्सेशंस नहीं मिलती, बहुत कहीं कथाएँ नहीं मिलती, लेकिन कुछ ऐसे भक्त होते हैं जिनको कि जिनके व्यवहार से ही प्रेरणा मिल जाती है। और जैसा कि श्री प्रभुपाद कहा करते थे, अ वॉकिंग हैप्पी डिवोटी, अ हैप्पी वॉकिंग डिवोटी इज अ टॉप मोस्ट प्रीचर। चलता फिरता एक जो खुश भक्त है ना वो नंबर वन प्रीचर है। असल में उसको देख के मन करता है, यार मेरे को ना ये इसके जैसा होना है, इसके जैसा मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं इसका चलना फिरना बोलना वही अपने आप में वो कथा है वास्तव में। तो इसीलिए एक हैप्पी डिवोटी इज अ बेस्ट प्रीचर, भले वो कुछ ना बोले, अगर बोल दे तो फिर तो वारे नारे, फिर तो बोनस, लेकिन उनका व्यवहार, उनका जो भक्ति में आनंद लेना है उनका, वही अपने आप में बड़ा प्रेरणादायक होता है। कोई बहुत ही अच्छा प्रचारक हो, बड़ा अच्छा प्रीचर हो, यानी कि संस्कृत जानता हो, अच्छा ओरेटर हो, लेकिन निजी लाइफ में ना बड़ा पॉलिटिकल हो, स्ट्रगल कर रहा हो बेचारा खुद, और तो इसलिए कहते हैं हाँ देखिए प्रवचन तो अच्छा देते हैं लेकिन ना दुखियारी आत्मा। दूसरी तरफ अगर मान लो किसी का व्यवहार बहुत अच्छा है लेकिन प्रवचन वगैरह इतना नहीं देता, लेकिन हाँ उसका व्यवहार बड़ा अच्छा है, कीर्तन में नाचता है, पसीने तरबतर होता है, लोग भक्त लोग कई बार सिर्फ उसको देखने के लिए आते हैं, कहते हैं वो भक्त को देखना है बस। तो ऐसे भक्तों में जो शिरोमणि है वो है वक्रेश्वर पंडित वास्तव में। सो वक्रेश्वर पंडित जो है ही वुड डांस फॉर 6 आवर्स इन द मॉर्निंग, 6 आवर्स इन द इवनिंग। इन फैक्ट वंस ही डांस कॉन्टिन्यूसली फॉर 72 आवर्स। इट मीन्स 24 × 3, 3 दिन कोई लगातार कौन ना सकता है। सो वक्रेश्वर पंडित जो कि वास्तव में राधा कृष्ण की लीलाओं में तुंग विद्या जी हैं, वो इतने एक्सपर्ट डांसर थे और ऐसे नाचा करते थे कि महाप्रभु ने कहा कि वक्रेश्वर पंडित तुम मेरे एक पंख हो, मेरा एक और ऐसा पंख हो जाता है मैं तो उड़ जाता वास्तव में, तुम ऐसे हो। इसीलिए जब महाप्रभु की संन्यास सेरेमनी हुई तो भी वो उपस्थित थे, और जब रथ यात्रा हुई तो उसमें एक ग्रुप में वक्रेश्वर पंडित वाज़ अ लीड डांसर। जो 7 ग्रुप्स थे उनमें एक में लीड डांसर थे वो वक्रेश्वर पंडित भी थे। तो इसलिए उनका नृत्य करना महाप्रभु को बहुत एक पसंद था, इतना पसंद कि महाप्रभु खुद कीर्तन करते थे जब वो नृत्य किया करते थे, इतना पसंद थे वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु को। और महाप्रभु कितने पसंद थे वो, ये इस बात से पता लगता है कि हालांकि देवानंद पंडित नाम के एक व्यक्ति ने जो कि बाद में भक्त बने, लेकिन किनकी कृपा से भक्त बने, एक अपराध कर बैठे थे श्रीवास पंडित के प्रति, कि वही कथा चल रही थी तो बीच में श्रीवास पंडित थोड़ा क्रंदन कर रहे थे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, तो शिष्यों ने उठा करके उनको किनारे कर दिया और इन्होंने कुछ रिजेंटमेंट नहीं की कि नहीं ये आप क्या कर रहे हो, ये ऑफेंस उनको लगा, जिसकी वजह से महाप्रभु ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन क्योंकि देवानंद पंडित ने क्योंकि वक्रेश्वर पंडित ने एक सेवा ये कर दी कि जब वक्रेश्वर पंडित जब वो नृत्य कर रहे थे उस वक्त वो गार्ड कर रहे थे, कोई ना उनका डांस इंटरफेयर ना करे, ही वॉज हैविंग हिज आर्म्स अराउंड, ऐसे किया होता है। और यहाँ वक्रेश्वर पंडित जो है नृत्य कर रहे हैं और उन्होंने अपनी बाजू यहाँ की हुई हैं, क्राउड कंट्रोल कर रहे थे कि उनके कीर्तन उनके डांस को कोई डिस्टर्ब ना कर दे, ये देख करके महाप्रभु ने उनको डिलीवर कर दिया। यूजली यही होता है, जिसके प्रति अपराध करो उसी से के प्रति अगर आप क्षमा ना मांगो तो फिर अपराध तो अपराध होता है। ऐसे नहीं मैंने कि भाई मैंने मधुमंगल प्रभु के प्रति अपराध कर दिया और मैंने गिरधारी लाल प्रभु को मैंने फीस खिला दी, चलो जी मिट्टी गेट हो गया। एक्सक्यूज मी सर, जिनके प्रति आप अपराध करेंगे उन्हीं से जाके क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो हालांकि शिवास पंडित से ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं आता कि उन्होंने पर्सनली जाकर के क्षमा मांगी हो, लेकिन क्योंकि वक्रेश्वर पंडित से की ये सेवा कर दी देवानंद पंडित जी ने कि क्राउड कंट्रोल कर दे कि वक्रेश्वर पंडित को कोई 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 दिक्कत ना जाए उनके डांस करने में, उनके नृत्य करने में, ये देख करके महाप्रभु इतने खुश हो गए कि उन्होंने तार दिया उनको। तो इसीलिए वक्रेश्वर पंडित जो है बहुत ही महान वैष्णव हैं, जिनके बारे में बहुत ऐसा नहीं मिलता कि उन्होंने कहीं वक्तव्य दिया हो, कहीं पर्सनल उनकी कॉन्वर्सेशंस हुई हों, लेकिन उनका व्यवहार अपने आप में बड़ा इंस्पिरेशनल है कि उनका हरिनाम संकीर्तन में जो उत्साहपूर्वक नाचेगा वो ही वास्तव में गोपियों के मंडल में भी रासलीला में नाच पाएगा। जब प्रभुपाद जी बोला करते थे द परफेक्शन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज टू ज्वाइन राधा कृष्णाज डांस पार्टी। सर राधा कृष्णा डांस पार्टी कौन ज्वाइन करेगा, लेकिन जो यहाँ हरिनाम संकीर्तन में नाचेगा वो, जो यहाँ हिचकिचाएगा नहीं देखिए अब हम
अब देखिए अब उम्र ज़्यादा हो जाती है, फिर नृत्य करना शोभा नहीं देता। ये लोग हैं पीले वाले हैं, ये लोग नाचा करें, नए नए भक्त हैं आप लोग नाचो आप लोग नाचिए। अब देखिए अब सीनियर हो गए ना, अब थोड़ा गंभीरता रखनी पड़ती है, तो गंभीरता के व्यवहार में ऐसे बाजू बंद करके खड़ा हो जाना हरी बोल करना बस ये व्यवहार है। अच्छा अच्छा हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु और वक्रेश्वर मंडल जूनियर डिवोटी थे ना, देवर येलो वाले होते हैं ना डिवोटी, न्यू भक्ता ऐसे नो। तो इसीलिए हमारा जो आंदोलन है वास्तव में संकीर्तन में नाचने का है, उत्साह पूर्वक नाचने का है। आई रिमेंबर हमारा यहाँ गुड़गांव में हमारी रथ यात्रा हो रही थी, सो देयर वाज वन डिवोटी और कीर्तन ट्यूमल्टस कीर्तन वाज गोइंग ऑन और वो खड़ा है ऐसे। तो जो ट्राला चल रहा था उसमें एक डिवोटी ने उसे बोला हरि बोल हरि बोल, ऐसा हो गया वो। तो ये महाप्रभु के आंदोलन में है कि नहीं है? क्या वक्रेश्वर पंडित के आंदोलन में है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। तो इसलिए उत्साहपूर्ण नृत्य करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हम नृत्य करते हैं तो हमारे चारों ओर एक ना इनर्शिया, जो तमोगुण का एक कवर छाया होता है, कभी कभी छाया होता है ना, कभी कभी फीलिंग ही नहीं आ रही है भक्त हूँ मैं भक्त हूँ क्या, धोती कुर्ता था पहन लिया, तिलक विलक भी लगा लिया वैसे मैंने, दिख तो रहा हूँ लेकिन क्या मैं भक्त हूँ? कभी कभी ऐसी मेरे में ना तो फीलिंग आती है, आप में नहीं आती होगी, आप लोग तो खैर अच्छे भक्त हो। तो मेरा अनुभव यह है कि उस वक्त बस हरिनाम संकीर्तन में उत्साहपूर्वक आप नाच लीजिए, विद इन कपल ऑफ मिनट्स रिन्यूड, नए उत्साह का एक ऊर्जा पूरे शरीर में आ जाती है सिर्फ ये करके कि हरिनाम संकीर्तन में जाकर हम नाच लें बस। एक समय श्री राधानाथ महाराज अपनी ह्यूमिलिटी बता रहे थे एक बार महाराज, कि पहले हिमालयन योगी के साथ रहा करते थे तो ध्यान वगैरह क्या करते थे महाराज, तो नए नए जब आए डिवोटी से संग में तो उन्होंने देखा ये नाचना गाना ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, ये सब ये थोड़ा इसमें गंभीर रहना चाहिए साधु संतों को, तो ये ऐसे ये नाचते कूदते रहते हैं। तो महाराज वैसे सब सेवाओं भाग लिया करते थे, चैंटिंग करते थे, सब करते थे, लेकिन नाचते नहीं थे क्योंकि महाराज को लगता था ये नाचना तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, ये दिस नॉट वेरी सेंटली काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो एक समय ऐसा हुआ बहुत ही घमासान कीर्तन चल रहा था पूरे मंदिर में, और उस कीर्तन में क्या हुआ सारे डिवोटी उछल रहे थे हरि बोल सब नृत्य कर रहे थे, तो महाराज जो है पीछे खड़े हुए थे हरि बोल वहाँ ऐसे थे। तो महाराज की नज़र गई डीटीज के ऊपर, इवन डीटीज वर जंपिंग, अरे भक्त लोग नाचे समझ में आता है, आज तो डीटीज भी ऊपर नीचे हो रहे। तो तभी महाराज की नज़र गई अपने चरणों के ऊपर, एक्चुअली महाराज नाच रहे थे, क्योंकि कीर्तन इतना ज़्यादा एडिक्टिव था, इतना ज़्यादा कंटेजियस था उसका उत्साह कि महाराज को तो रोक नहीं पाया और महाराज जो है कीर्तन कर रहे हैं, एंड टुडे ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट डांसर्स। अब तो कितने लोगों ने महाराज को डांस करते देखा है, व्हेन ही डांसेस अरे लगता है वक्रेश्वर पंडित दिन में प्रवेश करके लगता है, ऐसा लगता है। सो दैट वेज ये इस तरह से नृत्य करना ये बहुत ज़रूरी है। और आपका तो यहाँ बड़ा अच्छा सौभाग्य है, आपके यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग है, वुडन फ्लोरिंग पे तो नृत्य करने का अपना ही आनंद है, रीजन नहीं ऐसा फ्लफ रहता है, जॉइंट्स भी अच्छे रहते हैं, सो दैट वेज नृत्य करने के लिए वुडन फ्लोरिंग इज द बेस्ट। तो इसलिए हमारे दिल्ली NCR में बेस्ट प्लेस टू डांस इज इस्कॉन गुरुग्राम सुदर्शन धाम। आप लोग कितने लकी हो वैसे, ग्रेट। तो इसीलिए वक्रेश्वर पंडित जी से हमें ये कृपा की आशा करनी चाहिए कि जिस तरह से आप नाचा करते थे उसका 1% भी हम नाच लेंगे ना तो महाप्रभु की नज़र हम पे सबसे पहले पड़ जाएगी कि कौन है वक्रेश्वर पंडित जी के नक्शे कदम पे चलने वाला, उनके पदचिन्हों पे चलने वाला ये कौन व्यक्ति है, कौन भक्त है ये। तो ये जो ग्रेविटी है इसमें कि हम नाचते नहीं हैं, भाड़ में जाए ग्रेविटी, भाड़ में जाए मेरे ग्रेविटी, हमें नहीं रखना ऐसी गंभीरता। एक समय प्रभुपाद जी ने बोला लेक्चर में भक्त को गंभीर होना चाहिए, भक्त ने सुन लिया और वो आवाज ही था, तो प्रभुपाद जी बाहर आया उसको देखा, प्रभुपाद ने कहा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, श्री प्रभुपाद आपने बोला भक्त को गंभीर होना चाहिए, मैं आपसे गंभीर हो गया हूँ। प्रभुपाद जी ने हंस हंस के प्रभुपाद जी का बुरा हाल हो गया। प्रभुपाद जी ने कहा गंभीरता का मतलब ये नहीं है कि भक्त कभी मुस्कुराता नहीं है, गंभीरता का मतलब है कि वो भक्ति की जो नवदा भक्ति की जो प्रक्रियाएं हैं उनको बड़ी उत्साहपूर्वक निभाता है, श्रवण कीर्तन जिसमें नृत्य भी आता है वास्तव में, ये उत्साहपूर्वक करना ये गंभीरता है। गंभीरता मतलब ये नहीं थोड़ा सूझा हुआ आपका कह रहा है बड़ा गंभीर भक्त है, नहीं ये सूझा हुआ भक्त है, ये हमें सूझा हुआ भक्ति बनना,
हमें सूजी का हलवा भोग लगा करके पाने वाला नाचने कीर्तन करने वाला भक्त बनना है। सूजा भक्त नहीं क्या, उदास उदास भक्त। श्रीप्रभुपाद वाज सो चेयरफुल, वाज सो चेयरफुल। सो डिवोटी इज चेयरफुल बट वी आर ग्रेव। ग्रेव का मतलब भक्ति की जो नवदा भक्ति की जो प्रक्रिया है उनको उत्साहपूर्वक निभाना। तो इसलिए वक्रेश्वर पंडित जी का आज आविर्भाव दिवस है, उनकी कृपा की हम याचना करते हैं कि जिस तरह से वो नृत्य करके महाप्रभु को प्रसन्न किया करते थे, उस प्रकार से हम भी उत्साहपूर्वक कीर्तन में नृत्य किया करें। कीर्तन में नृत्य करने की जाय। वक्रेश्वर पंडित जी की जाय। वक्रेश्वर पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जाय। तो अभी हम आज श्रीमद् भागवत से पाठ करेंगे, तीसरा स्कंद 21वां अध्याय, और इसका शीर्षक है मनु कर्दम संवाद, और श्लोक संख्या है 17। लोकांश लोकानुगतान पशुंश्च हित्वाशितास्ते चरणात् पत्रम् परस्परं त्वद् गुणवाद सीधु पीयूष निर्यापित देह धर्मा। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ श्री श्री राधा दामोदर जी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय। श्री गौर निताय की, श्री प्रभुपाद की जय। लोकान सांसारिक कार्यकलाप च तथा लोक अनुगतान संसारिकता का अनुसरण करने वाले पशुन पशुवत च तथा हित्वा त्याग कर श्रिता शरणागत ते तुम्हारे चरण चरण कमलों का आतपत्रम छत्र परस्परम एक दूसरे से त्वत तुम्हारा गुण गुणों का वाद तर्क वितर्क द्वारा सीधु मादक पीयूष अमृत से निर्यापित बुझाया गया देह धर्मा शरीर की मूल आवश्यकताएं। अनुवाद। फिर भी जिन पुरुषों ने रूढ़ सांसारिकता तथा उसके पशु तुल्य अनुयायियों का परित्याग कर दिया है, और जिन्होंने परस्पर विचार विनिमय के द्वारा आपके गुणों तथा कार्यकलापों के मादक अमृत सुधा का पान करके आपके चरण कमलों की छत्र छाया ग्रहण की है, वह भौतिक देह की मूल आवश्यकताओं से मुक्त हो सकते हैं। तात्पर्य, कर्दम मुनि विवाहित जीवन की आवश्यकता का वर्णन करने के बाद इस बात पर बल दे रहे हैं कि जो लोग भौतिक इंद्रिय सुख में लिप्त रहते हैं उनके लिए विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्य रूढ़ घिसे पिटे नियम हैं। पशु जीवन के नियम खाना सोना मैथुन तथा रक्षा करना वास्तव में शरीर की आवश्यकताएँ हैं, किंतु जो पुरुष इस भौतिक जगत के इन रूढ़ कार्यकलापों को त्याग कर दिव्य कृष्ण भक्ति में लगने आने अपने को लगाता है वह सामाजिक रूढ़ियों से छूट जाता है। बद्ध जीव तो माया या शाश्वतकाल भूत या शाश्वतकाल भूत वर्तमान तथा भविष्य के वश में रहता है, किंतु जो ही वह कृष्ण भक्ति में अपने को लगाता है त्यों ही वह भूत भविष्य तथा वर्तमान की सीमाओं को लांघ कर आत्मा के शाश्वत कार्यकलापों में स्थित हो जाता है। भौतिक जीवन के सुखों व भोग के लिए मनुष्य को वैदिक आदेशों के अनुसार चलना होता है, किंतु जिन्होंने भगवान की भक्ति करनी स्वीकार कर ली है वे इस भौतिक जगत के किसी प्रकार के विधि विधान से भयभीत नहीं होते। ऐसे भक्त भौतिक कार्यकलापों की रूढ़ियों की परवाह नहीं करते, वे निर्भीक होकर उस शरण को ग्रहण करते हैं जो जन्म मृत्यु के चक्र रूपी धूप के लिए छाते का काम करती है। भौतिक अस्तित्व में एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का निरंतर स्थानांतरण ही दुख का कारण है। बद्ध जीवन का यह भौतिक अस्तित्व ही संसार कहलाता है। कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करके अत्यंत सुंदर भौतिक परिस्थिति में जन्म ग्रहण कर सकता है, किंतु जिस प्रक्रम के अनुसार जन्म तथा मृत्यु होती है वह भीषण अग्नि के समान है। श्री विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर ने अपने गुरु से की प्रार्थना में इसका वर्णन किया है। संसार अर्थात जन्म मरण का चक्र वन की अग्नि के सदृश है। वन की अग्नि लकड़ियों के घर्षण से स्वतः
लगती है। किसी को प्रयास नहीं करना पड़ता और उसे ना तो कोई दयावान पुरुष ना ही अग्नि भाग बुझा सकती है। वह तो तभी बुझ सकती है जब बादलों की मूसलाधार वर्षा हो। बादल की उपमा गुरु की कृपा से की गई है। गुरु की कृपा से भगवान का अनुग्रह रूपी बादल लाया जाता है, तभी कृष्ण भक्ति की वर्षा होने पर संसार की अग्नि बुझाई जा सकती है। इसकी भी यहाँ व्याख्या की गई है। भौतिक संसार के रूढ़ बद्ध जीवन से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को भगवान के चरण कमलों के की शरण इस प्रकार से नहीं जिस प्रकार निर्विशेषवादी ग्रहण करते हैं, वरन भगवान का जप और उनके कार्यकलापों का श्रवण करते हुए भक्तिमय सेवा में ग्रहण करनी चाहिए। तभी सांसारिक कर्मों एवं बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है। यहाँ पर यह संस्तुति की गई है कि मनुष्य को चाहिए कि वह इस संसार के बद्ध जीवन और तथाकथित सभ्य पुरुषों की संगति का परित्याग कर दें जो शिष्ट रूप में केवल खाने सोने संभोग करने तथा रक्षा करने का सीमा का कीर्तन तथा श्रवण यहाँ पर त्वद्गुणवाद सीधु के रूप में वर्णित है। भगवान की लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण रूपी अमृत का पान करके ही मनुष्य इस संसार की मादकता को भूल सकता है। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। इससे पहले ये चल रहा है कि इवन अगर किसी को इंद्र तृप्ति भी करनी हो तो भगवान के ऊपर बिना भगवान की कृपा के कोई इंद्र तृप्ति भी नहीं कर सकता। जैसे कई ऐसे करोड़पति लोग भी हैं जिनके बैंकों में कई करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन सुबह दलिया खाते हैं, शाम को खिचड़ी खाते हैं, क्योंकि पेट खराब है। इंद्र तृप्ति करने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए ही चाहिए। देखो, अगर इंद्र तृप्ति करनी हो ना तो तीन चीज़ें चाहिए। एक तो इंद्रिय भोग की वस्तु होनी चाहिए, दूसरा एनवायरनमेंट होना चाहिए भोग करने का, और साथ ही इच्छा भी होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ चाहिए भोग करने के लिए भी। क्या चीज़ थी? तीन चीज़ें चाहिए, इच्छा, वस्तु और वातावरण। अगर इन तीनों में से वो एक भी मिसिंग है, यानी भगवान का आशीर्वाद आपको उसमें नहीं है, तो आप भोग नहीं कर पाओगे। इच्छा तो है, वो भोग करने की चीज़ भी सामने है, लेकिन एनवायरनमेंट नहीं है। लोग आ जा रहे हैं, कहते अरे यार यहाँ पर कैसे भोग करेंगे भाई। वातावरण तो है, वो वस्तु ही नहीं है। इच्छा तो है, कहते अरे भाई वो वस्तु ही नहीं है। वो वस्तु भी है, वातावरण भी है, लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं है। तो क्या करेंगे? तो इसीलिए भोग करने के लिए तीनों चीज़ चाहिए, इच्छा भी चाहिए, वो वस्तु भी चाहिए और वो वातावरण भी चाहिए। तो ये मिलता है तो ठाकुर जी की कृपा से मिलता है वास्तव में। तो इसीलिए अगर इंद्रिय तृप्ति भी करनी हो तो भगवान की कृपा के बिना इंद्रिय तृप्ति भी नहीं कर सकते। भक्ति दूर की बात, इंद्रिय तृप्ति भी नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इंद्रिय तृप्ति से कौन, लेकिन वो तो है लो क्लास लोग हैं जो कि इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान पर निर्भर हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कि इसके परे गए हैं। कौन है वो लोग ऐसे? तो इसके बारे में बताया जा रहा है। फिर भी जिन पुरुषों ने रूढ़ सांसारिकता तथा इनके पशुतुल्य अनुयायियों का परित्याग कर दिया है और जिन्होंने परस्पर विचार विनिमय द्वारा आपके गुणों तथा कार्यकलापों का मादक अमृतमय आस्वादन पान करके आपके चरण कमलों की छत्रछाया ग्रहण कर ली है, वह भौतिक देह की मूल आवश्यकताओं से मुक्त हो सकते हैं। मूल आवश्यकताएं बार बार क्या आ रही है यहाँ पर? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। हालांकि अक्सर ये हम बात करते हैं जब नए लोग आते हैं तो हम बात करते हैं ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। देखिए पशु भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं, देखिए आप क्या कर रहे हैं, हम इस आत्म साक्षात्कार की ओर जाना चाहिए, कृष्ण परम भगवान है, आप चरे नहीं, आप आत्मा है, हम इससे बात करते हैं न्यू भक्ता। लेकिन ये ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग अल्टीमेटली एडवांस डिवोट इनके भी परे चले जाता है। ये मूलभूत आवश्यकता है हमारी, खाना, सोना, भोग करना और शरीर की आत्मरक्षा करना, इसका भरण पोषण करना। जैसे संत तुकाराम जी थे, संत तुकाराम जी जो है रात को 2 घंटा सोया करते थे। लेकिन उनको लगता था मैं दिन भर कीर्तन करता हूँ, ये 2 घंटे मेरे को क्यों सोना पड़ता है, ये ना 2 घंटे मेरे को कीर्तन करना चाहिए मेरे को ठाकुर जी का। तो इसने उन्होंने क्या किया, अपने शिखा ली और शिखा लेकर के रस्सी से बांधी और ऊपर बांध दी हो, तो जब भी सोने लगते हैं तो शिखा खींचती तो जग जाते। इस प्रकार से रात को भी वो नहीं सोते थे और रात को भी कीर्तन करते थे, दिन में भी कीर्तन करते थे। तो जब भी नींद आएगी शिखा बांधेंगे, रस्सी से ऊपर बांधेंगे, तो जब भी झटका लगेगा तो फिर विठल 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 राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि। तो इस प्रकार से हमेशा नाम लिया करते थे और इस प्रकार से उन्होंने नींद को जीत लिया और 24 घंटा संत तुकाराम जी भगवान का नाम लिया करते। तो एक आवश्यकता है नींद, एक शरीर की आवश्यकता है। जैसे हमारे घर नींद अगर पूरी ना हो 3 दिन, फिर अगर कोई आपको महाप्रसाद भी देगा ना, कह रहे प्रभु जी अभी सो जाना था मेरे को, हमें को सोना है अभी,
कितने बड़ी से बड़ी भोग की वस्तु भी होगी ना, कहते हैं भाई भोग की वस्तु प्रणाम है को भी, सोना है मेरे को भी, सोने दो को भी। तो इसीलिए हमारी ये जो कोर नीड है, इवन इसके भी परे चला जाता है व्यक्ति, भक्त चला जाता है जब वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो जब तक नहीं है तब तक उसको अपने शारीरिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं हालांकि कि विवाह संस्कार भी किसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का हिस्सा है। लेकिन वर्णाश्रम धर्म का पालन क्यों करते हैं, क्यों अभी हम पूरी तरह भक्ति में आए नहीं है, इसीलिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करके क्या है, सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण बढ़ेगा तो जाके भक्ति करने की सूझबूझ कुछ हवा आती है। रजोगुणी व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता, जैसे क्लास में ना कुछ लोग जैसे रजोगुणी लोग होते हैं, अगर मान लो रजोगुणी है कुछ से बाद बेचैन हो जाएगा वो, ऐसे पाँव हिलाना शुरू कर देगा वो, थोड़ा घड़ी बड़ी देख लेगा वो। रजोगुण व्यक्ति क्लास में शांति से बैठ कर सुन नहीं सकता, कभी डे ड्रीमिंग कर देगा, किसी और के बारे में सोच रहा है, हो सकता है मुझे देख रहा हो लेकिन मन तो उसका स्पीकर को लगे, देखो कितने ध्यान से सुनता है भगत, लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और है। रजोगुणी व्यक्ति का जो ध्यान होता है वो बड़ा बेचैन होता है, इसलिए वो क्लास में बैठ नहीं पाता, उसकी टांगें हिलनी शुरू हो जाएंगी, व्हाट्सएप खोल लेगा, व्हाट्सएप कर लेगा, फिर रख देगा, फिर ऐसे ऐसे कर देगा, ऐसे ऐसे कर लेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, क्योंकि ये रजोगुणी व्यक्ति है, ये शांति से बैठ ही नहीं सकता भक्ति करने के लिए, रजोगुण नो नो। तमोगुणी व्यक्ति क्लास में आकर सो जाता है, क्लास चल रही है और स्पीकर भी अपना शुद्ध सत्वगुण में है, ऊपर एकदम चलो प्रभु जी वहाँ हैं हम यहाँ हैं। क्लास में इतनी अच्छी नींद आती कुछों को, अरे भाई ये तो नींद की गोली फेल कर दे। नाम जब करते हैं आपने देखा, अरे क्या सुहानी नींद आती है नाम जब करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम राम। और हैरानी की बात है दो घंटे बाद भाई साहब की 16 माला पूरी भी हो जाती है, वाह। सो दैट फेस तमोगुण और रजोगुण ये दोनों ही अनफेवरेबल हैं भक्ति के लिए, सत्वगुण चाहिए। तो सत्वगुण लाने के लिए वर्णाश्रम धर्म जो है बहुत ही सहायक है, इसलिए विवाह संस्कार भी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ताकि व्यक्ति धीरे धीरे करके अपनी इच्छाओं को रेगुलेट करके फाइनली वो भक्ति में रेगुलेट हो सके। नहीं तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये वर्णाश्रम वैसे जो घिसापिटा है, वैसे तो घिसापिटा बोल दिया उसको तात्पर्य में, विवाह को भी घिसापिटा बोला है, लेकिन अभी हमें घिसापिटा चाहिए, अभी करना है, नहीं तो होगा क्या, हम लोग सहजियाँ हो जाएंगे या फिर हिपोक्रेट हो जाएंगे। जब प्रभुपाद जी बोलते हैं मिथ्याचार से उचित है, जो 3.6 भगवद्गीता का है, प्रभुपाद जी बोलते हैं अ स्वीपर ऑन द स्ट्रीट इज बेटर देन द चार्लटन मेडिटेटर, यानी कि जो झाड़ू मारने वाला भंगी है ना वो ज्यादा बढ़िया है क्योंकि ईमानदार है, बजाय कि उस कपटी मेडिटेटर के जो कि ध्यान तो लगा रहा है लेकिन बैठता है ध्यान के, लेकिन ध्यान उसका हमेशा विषय वस्तुओं में, कब कैसे कहाँ कैसे मजा उठाना है, कब कैसे किसका फायदा उठाना है, फाइनेंशियली फिजिकली इमोशनली, ऐसे व्यक्ति से बेटर है द पर्सन हु इज अ स्वीपर। यानी कपटी बनने से अच्छा ये है कि हम वर्णाश्रम धर्म में रह करके अभी भक्ति करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। और इसलिए प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर एनालॉजी देते हैं कि नारियल को जब तोड़ा जाता है तो नारियल किस सिस्टम से नारियल तोड़ा है, वैसे अगर गरी निकालनी हो तो नारियल कैसे तोड़ते हैं, क्या टेक्निक होती है, अगर आप सीधे नारियल लें और थर्ड देना मारे थे अगर, तो आपने नारियल तोड़ दिया आपने, अब ना उसकी गरी निकालने में आपकी जान निकल जाएगी आपकी, अरे भाई लाओ चक्कू लाओ, बहुत मुश्किल जाएगी आपको। लेकिन जो माताएं जानती होंगी कला, वैसे कैसे गरी निकाली जाती है, कभी भी धार देना मार करके कभी भी नारियल नहीं निकाला जाता, हमेशा हल्के हल्के मारते रहते हैं, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, सारी जगह से टक 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 करके फिर जब तोड़ते हैं तो गरी जो है वो खोल से अलग होने में आसानी होती है। लेकिन आप सीधा लिखा कर तोड़ दो अगर उसको, तो गरी निकालने में आपकी जान निकल जाएगी, आपकी चिपकी होगी वो शेल के साथ। तो इसीलिए हल्के हल्के मारना क्या है, वर्णाश्रम, ठक 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 ऐसे मारते रहेंगे नायल को,
करते 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 अंदर की जो गरी है वो शेल से अलग हो जाती है। सिमिलरली अभी आत्मा जो है वो शरीर से बहुत अटैच्ड है, इसलिए शरीर को निहारना संवारना, वी आर सो मच एडिक्टेड टू द बॉडी, कहीं खुदा ना खासा कहीं शीशा दिख जाए फिर देखो कमाल। एक बिल्डिंग थी उसकी, उसमें 35 फ्लोर्स थे, गुड़गांव की बिल्डिंग थी, 35 फ्लोर्स थी, अपना लिफ्ट बड़ी स्लो थी उसकी। तो लोगों ने कंप्लेन किया इंजीनियर को कि भाई साहब इतनी स्लो लिफ्ट है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ इसकी, जिंदगी बीत जाती है हमारी ऊपर से नीचे आने में। अब इंजीनियर ने देखा कि ना अब स्पीड बढ़ाने में बहुत पैसा लगेगा, उसने एक सिंपल सोल्यूशन किया, लिफ्ट के अंदर शीशा लगा दिया। उसके बाद से कंप्लेन आनी बंद, क्योंकि जहाँ शीशा मिल जाए बस तो ये एंगल वो एंगल ये वो इज दैट थोड़ा ये थोड़ा स्पाइक्स माताएं हैं थोड़ा लिपस्टिक ये करते कराते 35 फ्लोर निकल जाते हैं अपना आराम से, कोई समस्या नहीं, क्योंकि व्यक्ति देहात्म बुद्धि में इतना घुसा हुआ है, आत्मा जो है शरीर से इतनी अटैच्ड है कि इमीजिएटली जो है शुद्ध भक्ति के जो नियम हैं डूज एंड डोंट्स हैं इनका पालन वो नहीं कर पाती, इसलिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पड़ता है। लेकिन जब भक्त काफ़ी आगे बढ़ जाता है, भक्ति में आगे बढ़ जाता है, ऐसे व्यक्ति जो है होता है ऐसे रूल रेगुलेशंस का पालन ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन तब तक उसको करना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद जी के समय में जब प्रभुपाद जी वेस्ट में प्रीचिंग कर रहे थे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे वहाँ पर माइकल और जेन, तो प्रभुपाद जी ने उनकी पहले शादी भी कराई है, वैसे सन्यासी जो है शादी वगैरह नहीं कराते हैं, प्रभुपाद जी ने बिंग गुरु उनकी शादी भी कराई, उनको दीक्षा भी दी, ओके जेन नाउ यू आर जानकी, माइकल यू आर मुकुंद, उनकी शादी भी कराई, उनकी शादी करा करके फिर दीक्षा दी उनको कि ओके वर्णाश्रम में रह करके भी शादी करूँ लाइक दैट। तो इसीलिए एकदम से स्पोरैडिकली गृहस्थ आश्रम को छोड़ देना, जैसे कई बार दुखी लोग होते हैं ना, जब मान लो किसी की पत्नी है खून चूसने वाली पत्नी है किसी की, आते हैं ऐसे लोग मंदिर आते कहते हैं प्रभु जी आप मंदिर में रख लो बस हमको, आप बहुत जान खाती है वो, कचर 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 कचर। कई माताएं भी आते कहते प्रभु जी इतना सनकी आदमी आप मेरे को मंदिर में कहीं रख लो आप मेरे को, माताएं भी आती। अब ऐसे नहीं इनके अंदर बहुत ज़्यादा भक्ति होते हैं, ये सताए हुए लोग हैं और कुछ नहीं, अगर खुदा ना खास्ता मंदिर में आ भी जाएंगे ना कुछ समय बाद इनको पुरानी यादें याद आएंगी, कहते कुछ भी हो जब शाम को घर आता था ऑफिस से पूछती थी अजी सुनते हो पालक के पकौड़े खाओगे, उसका वो बोलना अरे यार गलती कर दी घर छोड़ करके, फिर वापस जाएगा अजी सुनती हो यार तुम ऐसा मत क्या करो ना चलो मैं माफ़ करता हूँ तुमको तुम भी क्या याद करोगी। तो ऐसा व्यक्ति स्पोरैडिकली छोड़ भी देता अगर घर को छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ये हरिद्वार से वापस भी आएगा लेकिन हफ्ते बाद कहता है नहीं है इतनी बुरी भी नहीं है वो, फिर दुखी हो जाएगा फिर जाएगा लेकिन फिर वापस आएगा। तो इसीलिए ऐसे घर बार छोड़ने वाले जो लोग होते हैं यार इमैच्योर। प्रभुपाद जी साहब में एक भक्त थे उनका नाम है तेजस प्रभु, वो बोले श्री प्रभुपाद जी को कहते प्रभुपाद मेरी बीवी बहुत तंग करती है मेरे को, बहुत झगड़ती है मेरे से, वो इतने ताने मारती है मेरे को, तो प्रभुपाद आपने मेरे को संन्यास दे दो आप मेरे को बस। प्रभुपाद ने कहा लेकिन तुम्हारी वाइफ तो डिवोटी है, वो तो भगवान के लिए कुकिंग भी करती है, वो तो हारमोनियम और मृदंगा बजा के कीर्तन भी करती है, वो तो कह प्रभुपाद वो करती तो है वो बजाती है मृदंग बजाती है लेकिन मेरी भी बजा देती है साथ में वो, तो इसलिए ना आप मेरे को संन्यास दे दो आप। प्रभुपाद ने कहा लेकिन वो सेवा करती है वो अच्छी भक्त है वो हरे कृष्ण महामंत्र जब भी करती है वो, यार प्रभुपाद वो करती तो है महामंत्र जब भी करती है लेकिन ना मेरी बैंड बजा के रख देती है वो, आपने मेरे को संन्यास दे दो आप। प्रभुपाद ने कहा लेकिन तुम्हारी वाइफ जो है शी इज़ अ नाइस डिवोटी, सब बड़ी प्रशंसा करते तुम्हारी वाइफ की वैसे। सो फाइनली तेजस प्रभु को पता लग गया प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम जो अभी संन्यास लेना चाह रहे हो ऐसे नहीं तुम्हारा कृष्ण से बड़ा प्रेम हो गया इसे संन्यास लेना चाह रहे हो, तुम इसे संन्यास लेना चाह रहे हो क्योंकि तुम सताए हुए हो संसार में और कुछ नहीं। तो संसार में जो सताया होना ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है संन्यास लेने की या घर बार छोड़ने की, इसे रेकमेंड किया जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है घर में रहे। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति बहुत उन्नत हो गया है ऐसे व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रह करके भी भोगों में लिप्त हुए बिना भक्ति में आगे बढ़ जाता है। इसमें ऑफकोर्स कोऑपरेशन चाहिए हस्बैंड वाइफ दोनों की, अगर उनमें से कोई एक अगर सहायी नहीं होगा फिर चैलेंज आएगा। एक मान लो हस्बैंड भक्ति में आगे बढ़ गया वाइफ लेकिन पीछे रह गई, वाइफ आगे बढ़ गई हस्बैंड पीछे रह गया, तो दूसरा व्यक्ति फिर ट्रबल करेगा कि भैया कम ऑन यू आर माई वाइफ, कम ऑन यू आर माई हस्बैंड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कर करके उसको कम डाउन कर देगा वो। तो इसीलिए ऑफकोर्स अगर ऐसा होता भी है तो ऐसी स्थिति में द अदर पर्सन शुड गिव सपोर्ट कि ठीक है अगर मेरे हस्बैंड भक्ति में आगे बढ़ गए हैं मेरी वाइफ अगर आगे बढ़ गई भक्ति में आई शुड सपोर्ट। तो ये व्यवहारिक है वास्तव में।
लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अभी भी मेरी शरीर से आ सकती है, आज ही मानता हूँ कि मैं पुरुष हूँ वो स्त्री है, अगर ऐसी भावना अगर आज भी है तो ऐसे व्यक्ति को फिर वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। तो ऐसे उस पोराडिकली जो घर छोड़ देते हैं फिर वो वापस भी आते हैं ऐसे लोग। ओह प्रद्युम्न प्रियबू आज हमारे द्वारका या मंदिर से पधारे हुए हैं गुड़गांव में, हार्दिक स्वागत रोहित जी का, बड़ा सरप्राइज नाइस, रोहित जी हैज कम टू ब्लेस मी, थैंक यू रोहित जी। सो इसीलिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करना जरूरी होता है, नो डाउट। लेकिन वर्णाश्रम धर्म 64 भक्ति के अंगों में इसलिए नहीं आता, रीजन बींग ये भक्ति का कोर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हाँ सत्वगुण बढ़ाने में सहायक है, नो डाउट। इसलिए शास्त्रों में कभी कभी ऐसी कहानियां आती हैं जिसमें कि ड्यूटीफुल होना एनकरेज किया गया है। जैसे एक साधु था और वो ध्यान लगा रहा था, तो एक कौआ आया और वो कैं कैं बीच में कहता कैं 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 ऐसे कर रहा था। साधु ने अपनी नज़र उस पर घुमाई और अपनी आंखों से उसको जला कर राख कर दिया, हाँ नहीं तो जला कर राख कर दिया उसको। उसके बाद ये उठा और गया किसी एक परिवार में या गृहस्थ में के पास गया, तो वहाँ पर एक माता जी थी जो कि अपने पति की बड़े अच्छे से सेवा करती थी। तो इसने ये गया भविदेवेक्षाम देही, अभी माता जी अपने अपने घर वालों की सेवा में लगी हुई है, वो भविदेवेक्षाम देही फिर भी लगी हुई है वो। तो उसने क्या क्या घूर करके देखा उस माता जी को, तो माता जी बोली मैं वो कौवा नहीं हूँ जो तेरी नज़रों से जल के राख हो जाऊँगी, मैं अपने पति की सेवा करती हूँ। अब ऐसी स्टोरी भी आती पुराणों के अंदर, तो इसे लगता है ओ तो यानी कि ना ये भक्ति और ध्यान लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने परिवार वालों की सेवा करना। पर ऐसी स्टोरी इसलिए आती हैं ताकि फर्स्टली वी बिकम ड्यूटीफुल इन गृहस्थ लाइफ एंड देन ग्रेजुअली अपलिफ्ट आर सेल्स, वहाँ से फिर हम और आगे जा सकें। जैसे आपने एक और स्टोरी सुनी होगी नारद मुनि की, नारद मुनि थे वो किसान को मिले, किसान की बोले तो हमेशा हरे कृष्ण क्या कर वो नहीं करता था, बस जब हल चलाता था फक हरे कृष्ण करता था और जब घर जाता था तो हरे कृष्ण करता था बस। तो फिर भगवान ने उसको कहा कि तू एक प्याला ले जिसमें कि तेल भरा हुआ है, और उसको कहा उनको नारद मुनि कहा कि ना आप जो एक बार पृथ्वी का चक्कर लगा करके आओ, तो वो पृथ्वी का चक्कर लगा करके आए और एक भी बूंद गिरी नहीं। तो भगवान ने कहा क्या तूने एक बार ही भगवान का नाम लिया, नारद मुनि ने कहा ओ मैं तो लेना ही भूल गया। भगवान ने कहा तेरे से अच्छा तो वो किसान है जो कम से कम दो बार तो लेता है भगवान का नाम। ऐसी स्टोरी जो है आती है, ये शास्त्र की स्टोरी नहीं है, ये फोक टेल है, जात कथाएँ होती हैं उस तरह से। लेकिन ऐसी स्टोरीज क्यों आती हैं, ताकि पहले लोग ड्यूटीफुल हो जाएं, आलसी ना हो जाएं अपने अपने घर परिवार की जिम्मेदारी को लेकर के। लेकिन आगे जब व्यक्ति बहुत भक्ति में आगे बढ़ जाता है, ऐसा व्यक्ति जो है देन ही इज़ वेरी एडवांस। लाइक श्रीपाद माधवेंद्रपुरी क्या कहते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे पूर्वजों, मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे ब्राह्मण होने के कर्तव्यों को, मेरी त्रिसंध्या को, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, अब मेरी आप में इतनी श्रद्धा नहीं रही है। क्यों? क्योंकि मेरी अब सारी श्रद्धा जो है वो है ठाकुर जी में, इसे क्षमा कर दीजिए। अब मेरा ना अब ये सांसारिक कर्म कांड के जो प्रोसीजर्स हैं, अब मेरा इसमें श्रद्धा भाव नहीं रही। हो सकता है जो मेरे रिश्तेदार हैं वो निंदा करेंगे, देखो देखो माधवेंद्रपुरी को क्या हो गया, पागल हो गया ये। हो सकता है जो बड़े दक्ष हैं बोलेंगे अरे तो भ्रमित हो गया ये। हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे ये मानसिक संतुलन खो बैठा है ये। मैं सारी निंदा स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अब आसक्ति हो गई है। इस प्रकार से यमुनाचार्य जी कहते हैं क्या कि जब से मैंने भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का आस्वादन अमृत में आस्वादन करना प्रारंभ कर दिया है, तब से मेरे साथ ये होता है कि जब कभी भी भूख करने की इच्छाएं मन में आती हैं, विशेष रूप से सेक्स लाइफ, मेरा मुंह जो है कड़वाहट में सिकुड़ जाता है। नाउ सेक्स लाइफ इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट ब्लिस इन द मटेरियल वर्ल्ड, लेकिन यमुनाचार्य कह रहे हैं अगर सेक्स लाइफ का कभी विचार भी आता तो माई लिप्स कर्न इन डिस्टेस्ट। Why? Because I am tasting the nectar of naam, roop, guna, leela of Krishna. तो ये वो उन्नत अवस्था है वास्तव में। जब प्रभुपाद जी बोला करते थे I have seen the family, I have seen wife, I have seen children, I have seen society. I don't want it. I just don't want it. That's it. पहले जब संन्यास दिया जाता था तो पता है क्या क्राइटेरिया था संन्यास देने का? अगर गरम गरम लाल कलर का लोहा अगर वो लगाएं और आपको कुछ ना हो, हाँ अब ये सन्यास के लायक हो गया। मतलब ये इतना फ्राई हो गया संसार के अंदर और इसका मन ठाकुर जी में इतना लग गया है ना अब कि जलता हुआ लोहा भी इसको अब कष्ट नहीं देता, हमको लग जाए क्या होगा कह नहीं जी अब सन्यास के लायक नहीं है। सोचिए अगर जीवीसी वगैरह हो जाए ना, अगर ये रूल कि गर्मा गर्म जब तक लोहा लगे और आपके मुँह से आह नहीं निकलना चाहिए बल्कि निकले वाह,
तो फिर संन्यास के यहाँ फिर लायक है। फिर तो भाई जो अप्लाई करने वाले वैसे ही ना पीछे की जगह, नहीं जी कोई बात नहीं, बिना संन्यास की भक्ति भी हो ही जाएगी हमारी, हो जाएगी जी। लेकिन पहले क्राइटेरिया ये था संन्यास लेने का कि गरम गरम जलता हुआ लोहा भी लगे तो ओह ये नहीं, बल्कि निकले वाह संसार में इतना फ्राई हो गए जी, इस गरमाइश से कोई कष्ट नहीं हो रहा मेरे को अब। पहले ये स्टैंडर्ड हुआ करता था क्योंकि भगवान में उसका मन लग गया है और संसार से एकदम फ्राई हो चुका है वो, ऐसा व्यक्ति वास्तव। तो देन द पर्सन कैन रियली एडवांस लाइक दैट। जैसे एक योगी थे, ही वॉज मेडिटेटिंग ऑन इन द हिमालयाज, ध्यान लगा रहे थे वहाँ पर, और इतने सालों साल हो गए थे उनको कुछ नहीं हो रहा था, उनको थोड़ा शांति का अनुभव हो रहा था, दैट्स इट। तो कुछ डिवोटीज ने कुछ माउंटेनियर्स को एक कृष्ण बुक पकड़ा दी थी कि ना ले लीजिए, उन्होंने कहा यार इतना प्रेशराइज करें, लाओ पकड़ा दो यार कृष्ण बुक, कितना पैसा है लो पकड़ो, चेंज भी रखो तुम जाओ। एंड देन दे बैग भी रखी, उन्होंने चलते गए माउंटेनियर्स। तो चलते चलते उन्होंने आगे जाके वहाँ एक योगी बैठा हुआ था, उन्होंने कहा ये बुक ही पढ़ लेगा, तो बुक ली उसके गोद में ला दी, योगी जी ये आप ही पढ़ लो जी, दैट्स इट। और फिर वो वहाँ से माउंटेनियर्स आगे बढ़ गए। योगी ने देखा ये बुक कहाँ से आई, एक्चुअली इन हिज हार्ट ही वॉज प्रेइंग कि ए निराकार ब्रह्म मुझे रास्ता दिखा, मैं कैसे तेरे तक पहुंचूं, ए निराकार ब्रह्म। तो ब्रह्म ने कहा ठीक है कृष्ण बुक पढ़ ले, पहुंच जाएगा पर ब्रह्म के पास। तो उसने वहीं के वहीं वन शॉट उस योगी ने सारी कृष्ण बुक पढ़ी और हिमालय से नीचे उतर करके आया, इस्कॉन टेम्पल ज्वाइन किया फुल टाइम उसने। सो दैट वेज ऐसे योगी ध्यानी व्हेन दे गेट द टेस्ट ऑफ कृष्ण नाम रूप गुण लीला देन दे कैन एंटर शुद्ध भक्ति। तो इस प्रकार से और एग्जाम्पल आता है रामानंद राय का भी और हरिदास ठाकुर का भी। रामानंद राय देवदासियों को खुद अपने हाथ से मसाज करते थे, ऑयल मसाज, टू गेट देम रेडी फॉर जगन्नाथ। और रामानंद राय भगवान को बहुत प्रिय है, श्री चैतन्य महाप्रभु को। दूसरी तरफ छोटा हरिदास ठाकुर जो कि हल्का सा फ्लर्टेशियसली बात करे शिकी महती नाम की माताजी से, बस फ्लर्टेशियस हल्का सा बात करे बीइंग अ सन्यासी, महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया। इवन परमानंद पुरी जैसे सीनियर डिवोटीज ने आके बोला अरे माफ़ कर दीजिए गलती होगी उससे, हल्का सा फ्लर्टेशियसली बात कर गया वो, लेकिन माफ़ कर दिए गलती हो जाती है, महाप्रभु ने एक्सेप्ट ही नहीं किया उसको। तो एक तरफ रामानंद राय जैसे भक्त हैं जो कि जो देवदासी हैं उनको मसाज कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं जगन्नाथ जी के लिए, और महाप्रभु को बहुत प्रिय हैं, जो कि मसाज करना इज़ वेरी 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 एक्जॉटिक मतलब एक्टिविटी इन कंपेरिजन टू जस्ट फ्लर्टेशियसली हल्का सा बात कर ली माता जी से। महाप्रभु ने छोटा हरिदास ठाकुर को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि महाप्रभु ये नहीं चाहते कि हम भक्ति के नाम पर चीप बिहेवियर रखें, तो छोटा हरिदास ठाकुर को रिजेक्ट। लेकिन दूसरी तरफ एक परमहंस वैष्णव ठाकुर कौन, रामानंद राय, इनको महाप्रभु ने स्वीकार किया, ना सिर्फ स्वीकार किया बल्कि इनसे प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, महाप्रभु सवाल पूछ रहे हैं, रामानंद राय जवाब दे रहे हैं, ये परमहंस स्थिति है। तो ऐसे कंपैरिजन इसलिए आते हैं, इनफैक्ट छोटा हरिदास ठाकुर एंड बड़ा हरिदास ठाकुर, छोटा हरिदास ठाकुर से हमने ये सीखा व्हाट आर द डोंट्स इन भक्ति, एंड बड़ा हरिदास ठाकुर से ये सीखा व्हाट आर द डूज इन भक्ति। सो बड़ा हरिदास ठाकुर छोटा हरिदास ठाकुर हैं भगवान के पार्षद, लेकिन भगवान इनके माध्यम से हमको सिखा रहे हैं व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स इन भक्ति, लाइक दैट। और यहाँ पर प्रभुपाद जी साथ में क्या बता रहे हैं, संसार क्या है ये तो ऐसा है जैसे जंगल में आग लगी हो, जंगल में जो आग लगती है ना, सब कोई कारण नहीं होता, किसने माचिस जला के नहीं जलाई होती, ये कब जलती है कैसे जलती है कुछ नहीं पता। उस तरह से संसार में कब किसको कैसे आग लगेगी कुछ नहीं पता, ऐसा कोई कारण नहीं होता। कहते पता नहीं क्यों वो मेरे से ईर्ष्या करता है, पता नहीं क्यों मेरे से वो दुखी है, पता नहीं क्यों मेरे से क्यों होता है ऐसा, ये जंगल में आग क्यों लगती है, इसका कोई कारण समझ में आता नहीं है, लेकिन आग तो लगी हुई है, आग तो लगी हुई है। अच्छा तो आग बुझेगी कैसे, फायर ब्रिगेड से। इसको बुझाने का एक ही तरीका बता रहे हैं प्रभुपाद जी, वो है बारिश हो जाए। और ये बारिश क्या है, गुरु की कृपा, वैष्णवों की कृपा, ये जो कृपा होती है इसकी बारिश होती है, ये ही वास्तव में उस आग को बुझा पाती है। ये बारिश क्या है, ये है कृष्ण की कृपा। लेकिन बादलों को खींच करके कौन लेकर के आता है, इन कृपा के बादलों को ये गुरुदेव लेकर के आते हैं हमारे जीवन में। तो गुरु एक काम करते हैं, देखिए कृपा ना वैसे तो कृष्ण की कृपा होती है नो डाउट, लेकिन गुरु की अपनी खुद की भी कृपा होती है इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्ण कृपा, और कृष्ण की कृपा फॉलो करती है गुरु की कृपा को, जहाँ गुरु की कृपा बहेगी पीछे पीछे कृष्ण की कृपा चलेगी। वैसे कृष्ण स्वतंत्र हैं लेकिन अपने शुद्ध भक्त को लेकर के चलते, फिर इनकी इच्छा उनके हिसाब से है कि भाई मेरा भक्त ये किसको रिकमेंड कर रहा है, फिर उस हिसाब से भगवान की कृपा चलती है वास्तव में। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं इस बात को
फिर गुरु जो है वो है कौन? गुरु मीन्स हैवी, नॉट फिजिकली हैवी कि हमारे गुरुदेव जैसे 500 किलो के नहीं होंगे तब तक हम नहीं मानेंगे ही इज़ गुरु, हमारे गुरु दुबले पतले होंगे नहीं, ही इज़ नॉट गुरु, दुबले पतले हैं तो. गुरु इज़ हैवी बिकॉज ही इज़ हैवी इन हिज चरित्र, ही इज़ हैवी बिकॉज ही इज़ हैवी इन हिज इंस्ट्रक्शंस, ही इज़ हैवी बिकॉज ही इज़ कैरिंग हैवीएस्ट कृष्णा इन हिज हार्ट. इन तीन कारणों से गुरु जो हैवी हैं, अपने आदेशों में हैवी हैं, अपने चरित्र में बहुत हैवी हैं वो, और साथ ही सबसे भारी कृष्ण को ये यहाँ लेकर ही घूमते हैं पूरी दुनिया में, अपने हृदय में लेके घूमते हैं, इसलिए गुरु हैवी हैं. तो इसलिए कभी गुरु का कभी हैवी होना हमारे ऊपर ये कृपा है, वास्तव में वही कृपा की बारिश होती है जिससे कि संसार दावानल ये शांत हो पाता है. और आखिरी सेंटेंस जो है इसका तात्पर्य का वो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जो हरि कथा में पूरी तरह से संलग्न है ऐसे व्यक्ति जो है इन भौतिक जो आवश्यकता इनके परे जा पाएगा. अल्टीमेटली हॉलमार्क ऑफ अ डिवोटी इज दैट कि हरि कथा में किसकी कितनी रुचि है. देखिए भक्तों कहीं होते हैं लेकिन हरि कथा में नहीं बैठते, वो लोग कहते हैं अब वो लेक्चर पिलाएंगे यार, अभी यार वही फिलोसफी, वही शरीर नहीं आत्मा, कृष्ण परम भगवान, हरे कृष्ण महामंत्र अनर्थ हैं, और ये सब मोटा मोटा वही कहानी है यार, थोड़ा बाहर घूम लेते हैं. तो कई लोग क्लास में नहीं आते इसलिए हरि कथा में नहीं आते, वैसे भाग दौड़ खूब करते हैं, अब बाल्टियाँ उठाना ये सब वो सब करना, गप अप मारना, हंसा ही ह्यू हुआ सब कर लेते हैं वो, लेकिन हरि कथा में नहीं आते वो, हरि कथा में बैठने की पेशेंस नहीं होती उनकी. अब खुदा ना खास्ता आ जाते हैं तो बेचैन रहते हैं कुछ समय बाद, पौने घंटे बाद, आधे घंटे बाद बेचैन हो जाएंगे. लेकिन द हॉलमार्क ऑफ अ डिवोटी इज दैट जिसकी हरि कथा रुचि, वासुदेव कथा रुचि, दिस इज द हॉलमार्क ऑफ अ डिवोटी. कि भक्ति में कौन आगे बढ़ रहा है, भक्ति में आगे वो बढ़ रहा है जिसकी हरि कथाओं में रुचि आ गई. इसे भक्ति सिन्हा महाराज की 6-6 घंटे की क्लास हुआ करती थी, तो उसमें कोई 1 घंटे बाद उठ गया, कोई 2 घंटे बाद उठ गया, कोई 3 घंटे बाद उठ गया, बट देर वॉज ओनली 1 पर्सन जो कि शुरू से लेकर आखिर तक बैठा रहता था और सुनता रहता था, एंड दैट वॉज आवर हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद. तो भक्ति सारंग महाराज ने पहली बार जब इंट्रोड्यूस कराया भक्ति सिन्हा महाराज को हमारे श्रील प्रभुपाद जी से, उन्होंने कहा गुरुदेव ही इज अभय. तो भक्ति सिन्हा महाराज ने कहा आई नो हिम, ही लाइक्स टू हियर, आई नो हिम. और क्योंकि यही सुनते हैं पहले शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक यही सुनते हैं, इसलिए भक्ति सिन्हा ये भी जानते थे कि आगे जाकर के भक्ति का प्रचार प्रसार यही करेंगे. तो जो हरि कथा में ऐसी किसी की रुचि हो, ओह दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. श्री राधा गोविंद महाराज एक बार कथा कर रहे थे और एक माता जी थी, अपने बेटे को बोली चलना महात्मा जी आए हुए हैं, बहुत बड़े महात्मा जी हैं, चल. अरे मैं नहीं जा रहा भागवत सप्ताह वगैरह, ये सब ना ये पिछड़ी हुई बातें, ये सब मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं नहीं जा रहा कथा वथाओं में. कि चलना एक दिन चल तू, कमदा कहीं कहा पापी कहीं कहा ना हो तो चल तू. मम्मी क्या यार कथाओं में बिठा के पकाओगे आप मेरे को आप ना. चल वो बैठ गया वो बड़े मुश्किल से बैठा, कहते बैठ गया वो. शुरू में तो बड़ा बेचैन था, लेकिन महाराज जब कथा शुरू की तो महाराज दामोदर लीला पर कथा कर रहे थे, और अब वो प्रसंग महाराज बता रहे थे किस बार नल को और मणिग्रीव है उनके ऊपर कृपा हुई नारद मुनि की, और फाइनली वो बने 2 वृक्ष और फिर भगवान श्री कृष्ण उनका उद्धार किया. ये महाराज बड़े सुंदर तरीके से बता रहे थे, वो सुनता रह गया. 3 घंटे क्लास चली, वो सुनता रह गया. और उसी दिन से उसने 16 माला जब शुरू कर दी, उस एक दिन की कथा से महाराज की. इसी प्रकार से एक बुल, देवास्वान बुल, वो रेगुलरली भागवत सप्ताह में आया करता था और बैठता था, रोज 3 घंटा क्लास चलती थी, सुनता था. और 7वें दिन जब कथा समाप्त हुई उसने वहीं के वहीं प्राण त्याग दिए, डिलीवर्ड. 7 दिन की कथा सुनने का बैल, ऐसे नहीं सिर्फ मनुष्य उतरते हैं, हरी कथा इतनी शक्तिशाली है कि अगर कोई पशु भी आकर के सुन ले उसको, भले समझ में आए या ना आए उसको कितनी आए व्हाटसोएवर, लेकिन फिर भी लाभ मिलता है. इसलिए अगर शरीर की आवश्यकताओं के परे जाना है हमें तो ये ठाकुर जी की जो कथाएँ हैं यही सब कुछ है. इसे चाणक्य पंडित कहते हैं किसका जीवन धन्य है, उसका जीवन धन्य है जो सुबह सुबह औरत के अपहरण करने की कहानियां सुनता है, दोपहर में जुए की कहानियां सुनता है, शाम को चोरी की कहानियां सुनता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन धन्य है वास्तव में, और किसी का जीवन धन्य नहीं होने वाला. अच्छा स्त्री को अपहरण करने की कथाएं कौन सी हैं, रामायण. अच्छा जुए की कथाएं कौन सी हैं, महाभारत. चोरी कथाएं कौन सी हैं, श्रीमद् भागवतम. तो जो रामायण महाभारत और श्रीमद् भागवतम यानी कि हरि कथा में रमता है ऐसा व्यक्ति ही तरता है. ये हिमालय बैठे जितने मायावादी कायावादी छायावादी उग्रवादी बैठे हैं ये क्यों नहीं तर पाते,
क्योंकि हरी कथाओं से दूर है, बर्फों में बैठे हुए बेचारे, यहाँ इस्कॉन गुड़गांव आए, भागवतम सुने, डिलीवर हो जाए, सो नाइस, सो सिंपल। तो यही करना है वास्तव में हमें, एंड दिस वी कैन ट्रांसेंड द बाउंड्रीज ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं एक सवाल लूंगा क्योंकि मेरे को अभी एक सेमिनार में जाना है। किसी का कोई सवाल है? वक्र शुभ हाँ जी बताओ जी। हरी कथा, हरी कथा। वट इज द हॉलमार्क ऑफ एन आइडियल डिवोटी? तो भक्ति हमारा बोला करते थे, द वन हु इज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज एन आइडियल डिवोटी। द वन हु इज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, जो अपने गुरु का कहना मान रहा है वही आइडियल डिवोटी है वास्तव में। और जो गुरु का कहना मानेगा ना वो खुश रहेगा, जो गुरु कहना मानता है, जो अपनी बुद्धि अपने मन के अनुसार चलेगा वो खुश नहीं रहेगा। अपनी स्वतंत्रता जो है ना गुरु को दे दो, गुरुदेव मैंने स्वतंत्रता रख करके मैंने मिसयूज ही किया है इसका, इसलिए मेरी स्वतंत्रता आप ले लो, आई ऑफर माई फ्री विल टू यू, दैट्स इट। ऐसा डिवोटी बहुत खुश रहेगा। अब इस कौन कौन खुश रहना चाहता है? खुश भक्त, जय हो। तो फोकट में थोड़ी ना हो गए, कैसे रहेंगे हम खुश? लाफ्टर क्लब ज्वाइन करके बोलिए हा 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 हा, ऐसे थोड़ी खुश होते हैं। खुश होना है देन वी हैव टू सेल आवरसेल्व्स टू द वर्ड्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, दैट्स इंपॉर्टेंट। और प्रभुपाद जी बोला करते थे, अ प्योर डिवोटी, एन आइडियल डिवोटी इज अ परफेक्ट जेंटलमैन, उसकी डीलिंग्स में ही इज परफेक्ट जेंटलमैन, सज्जन व्यक्ति होता है वो। तो ये होना चाहिए। और बाकी क्या है, एक खुश डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर। जो भक्त खुश है ना वो चलता फिरता प्रीचर है वो, उसको देख करके मन करता है कि मुझे उस भक्त जैसा बनना है। प्रदुम प्रिय वो ये इतना खुश क्यों रहते हैं? आई वॉन्ट टू बी लाइक हेम, प्रभु प्लीज गिव मी द ट्रेनिंग प्रोग्राम, आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस पर्सन, आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस पर्सन। एक अच्छा खुश भक्त चलता फिरता प्रचारक है वो, उसको देख करके लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हमें भक्ति करनी है। सो डिवोटी शुड नेचुरली बी हैप्पी। प्रभुपाद जी बोला करते थे, मोरोजनेस मीन्स यू आर वीक इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर कोई उदास उदास भक्त है अगर, इसका मतलब वो भक्ति में अभी कमजोर चल रहा है वो। मोरोज मीन्स वीक, क्योंकि भक्ति तो आनंद का विषय है। ये आनंद वाले सागर में रह करके जो दुखियारी आत्मा बना हुआ, यानी कुछ राड़ा वाड़ा हो रखा है चेतना के अंदर कुछ, उसको अपनी कॉन्शियसनेस ठीक करनी चाहिए। अल्टीमेटली दुख का कारण सिर्फ एक ही है, मन। इस संसार में और दुख का कुछ कारण नहीं है, दुख का सिर्फ एक कारण है मन। इसे भगवान गीता में कह रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो, मन को मना करना भी सीखो, मन को मना करो, सबसे बदमाश है ये मन। तो इसे मन को ठीक करेंगे कैसे? मंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।